स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। देखिए, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, क्या इसका स्टेटमेंट है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज करता है किसको, इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाइड करता हो, तब हम कहते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। तो कैले हैमिल्टन ने बताया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। इसके लिए देखिए, एग्जाम्पल एक लेते हैं। शो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 1 1। तो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 1 2 1 1, क्या इसका ऑर्डर है आपको बता चुके हैं। 1 2 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है, 2 by 2। तो हम पहले ये देखेंगे क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम इक्वल हो, यानी सेम हो। तो हमने यह देखा कि 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज सेटिस्फाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम। यानी इस मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है, यानी सेटिस्फाइड करती है ये मैट्रिक्स कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है वो अभी बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, यही कैले हैमिल्टन थ्योरम है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस मैट्रिक्स की हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, फिर से हम इसमें यूज होगा, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, तो फॉर्मूला हमने बताया आपको याद हो गया होगा, ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो ए माइनस लेमडा, इसमें लेमडा क्या होता है, करैक्टरिस्टिक रूट होता है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूंकि हम बता चुके और आपको याद भी होगा, 1 0 0 1, लेमडा करैक्टरिस्टिक रूट्स। तो क्या होगा, लेमडा की आई में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे। इसके लिए हमने बताया आपको क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दिया होता है, जैसे कि ये दिया है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हैं आप, ये 1 है, ये 2 एलिमेंट्स हैं डायगोनल के एलिमेंट, तो इनमें से हमें लेमडा माइनस करना होता है, बाकी के एलिमेंट सेम रहते हैं। तो देखना, यही किया है, 1 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा, चूँकि 1 1 थे तो क्या हो गया, लेमडा हमने दोनों में से माइनस कर दिया, और जो बाकी एलिमेंट थे जो कि 2 और 1 वो सेम रहेंगे, का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें, मतलब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। तो ये टॉपिक हम
कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा क्या कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, देखना 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0। इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा, देखो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा, ये मल्टीप्लाई हुई माइनस 2। तो इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, क्या हो गया ये लैम्डा स्क्वायर ये माइनस 2 लैम्डा, 1 माइनस 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अगर ये कहते करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करिए तो हम इसके फैक्टर करते, गुणनखंड करते और लैम्डा की दो वैल्यू आती, वो दोनों वैल्यू ही करेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू होती। चूंकि यहाँ हमें करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट नहीं करने हैं, क्या करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें सेटिस्फाइड करनी है। इसके लिए क्या कहते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए वो मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करता है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसके लिए हम लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे ए के द्वारा, क्योंकि मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। इसका मतलब होता है कि लैम्डा बराबर ए लिखने पर माइनस 2 ए, चूंकि हम 1 है ना, तो नंबर के लिए तो 1 आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई होती है, तो यह मैट्रिक्स आ जाएगा आई इज इक्वल टू, ये 0 है या 0 मैट्रिक्स, यहाँ पर ये 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लैम्डा एक नंबर है। अब लैम्डा जब मैट्रिक्स में चेंज हुआ तो मैट्रिक्स ही सारे हो जाएंगे ये, ठीक है नहीं। अब क्या करना है, हमें ए स्क्वायर निकालना है, 2 ए निकालना है और आई रखना है, इन सब की कैलकुलेशन 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। देखिए अब मैट्रिक्स यूज है, यहाँ पर 2a निकालें, 2 और ए मैट्रिक्स ये सिंपल, 2 की मल्टीप्लाई 2 2 4, 2 का 1 से और 1 से 2, ये हो गया 2a, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए की ए से मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स, तो कैसे होती है इसकी प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 की 1 से, इस रो की इस कॉलम से हो गई ये, इस रो की सेकंड कॉलम से यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड रो में लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, सॉरी ये 1 और ये 1, अगला 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ए स्क्वायर इसको क्या करें, सिंप्लीफाई, 1 प्लस 2 2 प्लस 2 4, ये 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, ठीक है। आई कितना होता है, 1 0 0 1, 0 मैट्रिक्स क्या होगा, 0 0 0 0, ये 0 नंबर नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स का सिंबल है। दीज सब्स्टिट्यूशन पुट इन
देखो ये वाली क्वेश्चन थी, तो यह ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ टू ए की, यहाँ आई की, और यहाँ जीरो की वैल्यू को मैटर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, टू ए मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, कहाँ टू ए ये है, ए स्क्वायर कहाँ आया ये, आई ये, और जीरो ये, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स लिख दिए। क्या करना है, इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन करना है और इसका आंसर ये जीरो 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 आना चाहिए। देखते हैं, तो सबट्रैक्शन जानते हैं मैट्रिक्स का, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट माइनस फर्स्ट, थ्री माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर माइनस जीरो, थर्ड एलिमेंट टू माइनस जीरो, थ्री माइनस टू माइनस वन। देखना माइनस टू माइनस वन कितना होगा, माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस फोर, टू माइनस टू जीरो, थ्री और ये माइनस टू माइनस वन मिलके कितने हो गए, माइनस का थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर आई वो क्या आई, जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो मैट्रिक्स आया, और इधर क्या था, जीरो मैट्रिक्स। तो क्या हुआ, वेरीफाइड हुई कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है और कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं, ये हमने यहाँ क्लियर किया। ठीक है।